क्यों रो रहे हो आप? मुझे कैमल चाहिए। सबके घर में काऊ और गोट आई है, मुझे कैमल चाहिए। बेटा कैमल की कुर्बानी जायज नहीं है। क्या फजूल बातें कर रहे हो नबील, ऊँट की कुर्बानी जायज है। ओ भाई हमारे लिए जायज नहीं है, हमारी औकात नहीं है खरीदने की। नबील तुम्हारी औकात तो मुर्गी खरीदने की भी नहीं है। हद होती है यार, तुम अपनी बेटी की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। अरे छोटी सी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इसने चूजा मांगा हो। वो ऊँट लाने को कह रही है। तो ला नहीं सकते क्या? जानू ऊँट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानू उसे बांधेंगे कहाँ? लॉन में। और कहाँ? ओए लॉन में तो माँ जी और महमूद सब पूरे नहीं आते, ऊँट कहाँ से आएगा? ओ नबील चुप करो यार, ईद में सिर्फ 3 दिन रह गए। ईद में 3 दिन रह गए? हाँ। तुमने मेरे ईद के अभी तक कपड़े नहीं बनाए। ओ गॉड, आप बहुत गंदे बाबा हैं। हैं? यार नबील, यार सोने ने तो भूख हड़ताल कर दी है। वो कह रहे जब तक गाय नहीं आएगी वो कुछ नहीं खाएगा। ओ यार चांदी ऊँट के पीछे पड़ गई है। किस ऊँट के पीछे पड़ गई है? यार महमूद साहब, चांदी की फरमाइश है कि इस बार हम कुर्बानी के लिए ऊँट लेके आए। यार नबील ये बकरा ईद बहुत जल्दी नहीं आ गई, अभी पिछले साल तो आई थी। हाँ यार, आपको याद है पिछली बार बकरा कुर्बान करना कितना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। और सोना गाय की जिद कर रहा और चांदी ऊँट की। यार नबील क्यों ना हम गाय और ऊंट के बीच का कुछ जानवर ले आए। कोई घोड़ा घोड़ा ले आए महमूद साहब? अरे घोड़े की कुर्बानी नहीं होती है। फिर कोई बकरा ले आते हैं। हाँ यही ठीक है महमूद साहब। मिलाओ फिर खूबसूरत के पापा को फोन। महमूद साहब बस कर दे यार, मैं कोई इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि कुर्बानी के पैसे भी अपने सुसर से लूं। क्या? हाँ बकरे के पैसे आप देंगे। अरे मैं क्यों दूंगा भाई? इसलिए महमूद साहब के आप पर कुर्बानी फर्ज है। अरे तो क्या सिर्फ मुझ पर फर्ज है, तुम कुछ नहीं करोगे? अरे आप भी क्या याद करेंगे महमूद साहब, बकरे के चारे के पैसे मेरे, मेरी जिम्मेदारी। वो जो बकरे के चारे की होगी वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हाँ जी। यार नबील सुना है कि ये जो ईदी सेंटर पर बकरे खड़े होते हैं सस्ते मिल जाते हैं जरा। ओ यार महमूद साहब वो सदके के बकरे होते हैं और आपके पाँव के नीचे आके वो बकरा मर सकता है। तो सदके के बकरे की कुर्बानी नहीं होती क्या? हाँ हो जाती है, लेकिन महमूद साहब उसका गोश्त बांटना पड़ता है। नहीं भाई नहीं, मैं बकरा लाऊंगा तो सारा गोश्त हम ही खाएंगे। ये चीज मेरे अजीज, महमूद साहब एक काम करते हैं, करीब ही ना बकरा मंडी लगी हुई है, वहाँ चल के बकरों के रेट चेक कर लेते हैं। वो जो हम रेट चेक करेंगे वो बकरों के होंगे। ओ यकीनन महमूद साहब, आपके रेट तो चेक हो ही नहीं सकते, मेरा मतलब आप तो अनमोल हैं। हाँ ये आ जाए महमूद साहब, आ जाए। यार नबील ये बकरे तो बहुत छोटे छोटे हैं, गींडे गींडे से। क्या मतलब? अरे यार कोई ऊंचा लंबा चौड़ा तगड़ा तुम्हारी तरह का होना चाहिए। ओ बस कर दे महमूद साहब, आपने बकरे से पंखे साफ करवाने हैं, कुर्बानी करनी है। हाँ ये बात भी ठीक है, पहली दफा अकलमंदी की बात की है तुमने। ए ए भाई, अरे ये तुमने बकरे को कान से क्यों पकड़ा हुआ है? जरूर इसने कोई शरारत की होगी, है ना? अरे भाई आप कौन? अरे मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन? अरे नबील बताओ इसे कि मैं कौन हूँ। यार आप कौन है? हैं? मेरा मतलब है, ओ भाई तेरे पास कोई दो दांत का है क्या? ओ बकरा। अरे भाई दो दांत का कोई भी नहीं है, सबके दांत पूरे हैं। अरे ये वाला कैसे दिया? अरे भाई मुझे क्या पता कैसे दिया, बकरी ने दिया, मैंने थोड़े दिया। ओ भाई कितने में बेच रहे हो ये बकरा? अरे भाई मैं क्यों बेचूंगा, अभी तो खरीदा ये बकरा। ओए तूने खरीदे तो बेचेगा ना? नहीं। अरे तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? अरे बकरा खरीदने आया था, खरीद लिया, अब घर जा रहा हूँ। अबे तो जा, हमारी शक्ल क्या देख रहा, चजा भाग गया था। ओ चले देखो यार, चल हम पे इंप्रेशन डाल रहे, खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे आए हैं। आए हैं उधर देखते हैं, चले। एक बात तो बता रहे हैं ना, बोले तेरा पापा इस ईद पर क्या कर रहा है? मुझे लगता है पापा ईद पे अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू नाइट कर रहे हैं। और मैं तुझसे पूछ रही हूँ वो जानवर क्या कर रहा है? आपने मेरे पापा को जानवर कहा? माँ जी आप हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। मैंने तुझसे पूछा है तेरा अब्बा ईद पर कौन सा जानवर कर रहा है? ओ अच्छा माँ जी, आई थिंक इस बार पापा ऊँट लेकर आए। वो तो रात के खाने पर ही खा जाएगा, तो फिर ईद पर क्या करेगा? माँ जी पापा ईद पर ही ऊँट कुर्बान करेंगे। ओ बोंग का गोश्त मंगा ले, निहारी बनाएंगे कैसा? माँ जी महमूद साहब और नबील बकरा लेने गए हैं, आप उसकी निहारी बना लीजिएगा। ओ पुत्र वो दोनों जो बकरा लाएंगे ना वो तो एक ही सीख पे चढ़ जाने। आ गया। यार नबील यार ये हमें काफी सस्ता मिल गया है। अरे सस्ता महमूद साहब, मुफ्त मिला है, मुफ्त है। अरे अगर मुफ्त मिला है तो उसने मुझसे 10,000 रुपए क्यों लिए? ओ यार महमूद साहब आजकल 10,000 में बकरा कहाँ मिलता है, मुफ्त मिलने के मुतरादिफ ही है। अरे हाँ यार, चलो महमूद साहब ये रस्सी वहाँ बांधे।
दीजिएगा जरा। अरे रस्सी खोल के वहाँ बांध रहा हूँ ना। और यार मैं मूसा ना करे यार, ना तपाए मुझे, बकरे समेत बांधे। नबील पहले घर वालों को बुलाकर बकरा तो दिखा दो यार। अरे हाँ जानू, जानू इधर आओ। अरे मामो, अरे देखो कौन आया है। हाय आप आ गए। अरे मैं नहीं, बकरा आया है। ये कैसा बकरा है? माँ जी मैं नहीं, ये बकरा। अरे ये कोई मामूली बकरा नहीं है, बड़ा मगरूर बकरा है। हाय माजूर बकरे की तो कुर्बानी भी नहीं होती। माँ जी माजूर बकरे की नहीं होती, ये तो मगरूर है। ना ये किस बात पे मगरूर है, बकरे जैसा तो मुँह है इसका। ओहो मोमो तुम तो अंदर जाओ। पर ये बोल क्यों नहीं रहा? ओ माँ जी इससे आपने गजल सुननी है यार, बकरे कहाँ बोलते हैं माँ जी? मैं तो बोलते हैं ना पुत्र। ओहो मोमो वो बकरी बोलती है मैं। तो फिर बकरा क्या बोलता है? ओहो तुमने इसकी कुर्बानी देनी है या इसे खबरें पढ़वानी है? जानू तुम लोग एक काम करो, पानी लाओ, चारा लाओ, माँ जी के साथ जाओ, इसके सामने रखो। मामू साहब हम इसे बांध के थोड़ा रेस्ट करते। मोमो इस बकरे को ना अच्छी तरह खिलाना पिलाना ताकि ढेर सारा गोश्त निकले गाय बराबर। तुम लोगों को ऊंट दिखाती हूँ। हमारे घर ऊंट आया है, मगर मुझे तो गाय चाहिए थी दोस्तों में बरा मारने के लिए। ऊंट गाय से ज्यादा महंगा होता है। हाँ जी ये रहा हमारा ऊंट। क्या कैसा ऊंट है? क्या वो अच्छा नहीं है? ओ माँ जी ये ऊंट नहीं है, बकरा है। तुझे नहीं पता, तू अभी बहुत छोटा है। माँ जी आपको किससे पता है बकरा? चुप करो, जाओ यहाँ से, चलो भागो इधर से, चलो जाओ खेलो। ये ले ये पानी पी तो, ये खा। शाबाश शाबाश शाबाश, मैं तुझे ऊंट बना के रहूंगी। माँ जी आपने सारा चारा एक ही वक्त में डाल दिया है। हाँ पुत्र जितना खाएगा उतना निकालेगा। क्या गोश्त खा। मोमो क्या हुआ है? तुम रो रही हो क्या? नहीं मैं सो रही हूँ। अरे तो फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हो सकता है मैं ख्वाब में रो रही हूँ। अरे अगर तुम ख्वाब में रो रही हो तो आवाज मुझे कैसे आ रही है? वो आप मेरे बराबर लेटे ना, आवाज लीक भी होती है। हाय 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 लजी, ये रोने की आवाज तो शायद बाहर से आ रही है। मोमो ये कहीं खूबसूरत ने नबील को मार मार के घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? कैसी बातें कर रही हो जानू, माँ जी क्यों मार के निकालेगी महमूद साहब को? हो सकता है महमूद साहब ने फिर कोई चिजोरी हरकत की हो। छुप छुप के फोन पर बातें कर रहे हो किसी से? हाँ ये हो सकता है। चलो चलती देखते हैं। पागल हो गई और दफा करो जानू, उनका मामला हो जाने, सो आराम से सो जाओ। मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है। क्यों माँ जी साफ साफ क्यों नहीं बोलता? कल फिर तेरी बीवी ने मार पीट के तुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था। माँ जी मैं नबील को कैसे मार सकती हूँ यार? अरे तो फिर वो रोने की आवाजें कहाँ से आ रही थी यार? पता नहीं यार, कहीं वो गधा तो नहीं रो रहा था? कौन गधा माँ जी? वो जो बाहर बंदा हुआ था बरखुरदार। ओ माँ जी बकरा। हाँ जो बाहर बरखुरदार बंदा था बकरे। माँ जी बकरा कैसे रो सकता है यार? क्या बकरा क्या इंसान नहीं होता है? और तुझे नहीं पता जुलेखा, ये जो कुर्बानी के बकरे होते ना, इनको रात में चोरियाँ नजर आती है। चोरियाँ नहीं छुड़ियाँ। हाँ वही छोरियाँ। यार मैं मुसाब कहीं वो भूखे मारे तो नहीं रो रहा था? अरे उसे कल चारा डाला तो था भाई। ओ यार मैं मूसा वो तो बड़ा कम था, उसने एक घंटे में खत्म कर लिया होगा। बड़ा ही पेटू बकरा है भाई। आए चल के देखते हैं मैं मूसा। एक मिनट पुत्र मैं जरा ब्रेड वाले स्लाइस पे मक्खन लगा लूं। ओ माँ जी बकरा मक्खन और स्लाइस नहीं खाता। वो तो मैं तो खाती हूँ ना। ओ चले तो
चारे को हाथ में नहीं लगाया है यार। उसके हाथ का है जो बेचारा चारे को हाथ लगाएगा। नबील अगर ये चारा नहीं खाएगा तो इसमें से गोश्त कैसे निकलेगा? ओ भाई तू चारा क्यों नहीं खा रहा? मैं चारा नहीं खाता, चिकन खाता हूँ चिकन। ओ यार महमूद साहब आपसे कौन पूछ रहा है, आप तो चुप करें यार। मैं तो चुप ही हूँ, तुम्हारी माँ ने बोला होगा। माँ जी आपकी आवाज को क्या हो गया? हाय कल रात से मेरी आवाज का गला खराब हो गया। बेलो ये मैं बोल रहा हूँ। नबील ये तो बकरा बोल रहा है। वशा वशा मेरा बकरा बोल रहा है। मैं बकरा नहीं जिन हूँ जिन। नबील ये क्या था यार? मैं मुसा मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रहा है क्या था यार। इसका मतलब है उस बकरे के ऊपर जिन है क्या? इसीलिए उस घटिया आदमी ने हमें 10,000 रुपए का दिया था। क्या करेंगे नबील, उसकी तो कुर्बानी भी जायज नहीं होगी। अरे उस जिन को कुर्बान करेगा कौन? महमूद साहब मुझे पानी पिलाओ। बकरे को पानी पिलाए? अच्छा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं नहीं जा रहा उस बकरे के पास। फिर मुझे तो लगता है कि उस बकरे के साथ कोई साइकोलॉजिकल मसला है। क्या? हाँ ना, देखो हम उसको अपने दोस्तों से दूर ले आए हैं। आई थिंक उसको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास दिखाते हैं। बारी, बारी। मुझे ये लगता है कि साइकाइट्रिस्ट को उसे नहीं तुझे दिखाना चाहिए। शट अप नबील। ओके जानू मामू साहब, बाबा बुला ले, बाबा बुला ले कोई। अरे मैं उस बकरे के बाबा को कहाँ से लेके आऊँ यार? यार बकरे के बाबा को नहीं, जिन भगाने वाले बाबा को। अरे बाड़ में डालो बाबा को। मैं तो कहता हूँ इस बकरे को ना गली में जाके किसी के खम्भे के आगे बांध आते हैं। ओ मां जी जाए यार। ओ माँ जी मैं आपको कमरे में जाने को नहीं बोल रहा। फिर ओ माँ जी चाहे बकरे को बाहर ना खंबे के साथ बांध आए किसी जगह। चुप ओ यार मैं मुसाब आपकी बीवी तो इंतहाई डरपोक है यार। तुम्हारी बीवी क्या चीते पकड़ती है? अरे चीती है वो चीती। आ जानू नबील यार अब इस बकरे को हम दोनों को ही बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। वो जहाँ हमें छोड़ के आना होगा बकरे को वो बाहर होगा। हाँ जी। अच्छा जी आइए जी। आदम्बू आदम्बू। रस्सी पकड़ा, रस्सी फेंको फेंको। ओ यार रस्सी खोले। अच्छा अच्छा। ओ यार मैं मुसाब क्या करते हैं, इधर से नहीं खोलनी उधर से खोले यार। अच्छा उधर से खोले 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 खोले। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। मैं कर रहा हूँ ना यार। जल्दी करे यार। ओ छोड़ो मुझे, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तुमने बड़ी गंदे तरीके से बात की। छोड़ो साहब शुक्र करे यार बकरा छोड़ा है, वरना बकरा ईद वाले दिन वो हमें कुर्बान कर रहा होता। वो तो ठीक है यार नबील, और लेकिन मेरे तो 10,000 रुपए गए ना। अरे यार मैं मुसाब आपको 10,000 की पड़ी है, मेरी जान बच गई है यार। अच्छा मशे जीता रहे मेरा पुत्र। जानू अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बकरा गया। तुम लोगों से पानी मांगा था मैंने। अच्छा खुद भी है ना यार। डर मत बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। जिन किस पर है? इस औरत पर। बकवास ना करना। नहीं नहीं बाबा, जिन इस पर नहीं है जी, ये तो खुद जिन है। अरे जिन किस पर है मुझे तो बताओ। आए बाबा मैं दिखाता हूँ आपको जिन। अरे नहीं भाई नहीं, जिन मुझे नहीं दिखाओ, जिन से मुझे बहुत डर लगता है। वैशा वैशा। नबील इसे तो खुद जिन से डर लग रहा है, ये जिन कैसे भगाएगा? हालांकि जिन को इससे डरना चाहिए। जिन को भगाना मुश्किल नहीं है, जिन को देख कर भागना मुश्किल है। चलो 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 बाबा जी आए। कहाँ है जिन? अरे ये रहा जिन। अरे ये जिन नहीं, ये बकरा है। अरे ये बकरा नहीं जिन है। अरे इसकी शक्ल तो बकरे से मिलती है। हो सकता है किसी जिन का बकरा हो।
या हो सकता है ये किसी बकरे का जिन हो। आप लोग मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ। हम ये चाहते हैं कि आप वो कर दें। ओ यार क्या हो गया बाबा जी, आपको अकल को हाथ मारे। हम ये चाहते हैं कि इस बकरे में से जो जिन है उसको निकाल दें। हाँ, और हमारे जो 10,000 रुपए लगे हैं वो बच जाएं। भाई 10,000 से याद आया, 5,000 लूंगा, पूरे 5,000। किस चीज के? जिन में खाने के। अब 5,000 मुझे दे दे, मैं खुद भाग जाऊंगा। ए बकवास बंद कर, तूने कुर्बानी के जानवर को भी नहीं छोड़ा, चल जा निकल जा यहाँ से। अबे जल्दी निकल, तेरे ये बाबा मेरी बहुत देखी है। ये तो बड़ा पक्का जिन लगता है। आप लोग पीछे आ जाएं दो दो कदम, अब मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूँ। अक्कर बक्कर बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 को लगा धागा, जिन निकल के भागा, जिन निकल के भागा। बाबा बाबा भाग गया। ओ बाबा, ओए हमने जिन भगाने का कहा था, तूने बकरा ही गायब कर दिया। अरे अब हम कुर्बानी कैसे करेंगे? अबे ना शुक्रो, एक तो मैंने तुम्हारा जिन भगाया और ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। सॉरी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, सॉरी बाबा। लाओ मेरे 5,000। मैं मुंह साफ जाए यार, 5,000 रुपए लेके आए। हंस क्यों रहा है तू? नहीं नहीं, मैं नहीं हंस रहा। मेरी हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है बाबा जी? अरे जाहिलो, ये मैं हूँ जिन। तुझे तो बाबे ने भगा दिया था भाई। अबे ये जाली बाबा है, इसने मुझे नहीं बकरे को भगाया है, मैं इसी घर में हूँ। क्या? अब मैं तुम लोगों के साथ ईद मना कर ही जाऊंगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।